मुरैना से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जहां एसडीएम का धमकी देने वाला वीडियो वायरल हुआ है। शांति समिति की बैठक में नगर पालिका सीएमओ को धमकी दी एसडीएम ने। एसडीएम वीरेंद्र कटारे ने यह धमकी दी, आपत्तिजनक बयान भी दिया। इससे पहले भी एसडीएम का वीडियो वायरल हो चुका है। सबलगढ़ अनुभाग में पदस्थ हैं एसडीएम वीरेंद्र कटारे। तो देखिए, मुरैना से एसडीएम वीरेंद्र कटारे का ये वीडियो वायरल हुआ है, जहां पर वो नगर पालिका सीएमओ को धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ अनिल गौर लाइव जुड़ गए हैं। अनिल, आखिर ये पूरा मामला क्या था, किस वजह से एसडीएम ने नगर पालिका सीएमओ को धमकी दी है? बिल्कुल, देखिए प्रतिज्ञा, मुरैना जिले की सबलगढ़ तहसील के एसडीएम हैं ये वीरेंद्र कटारे। उनका ये जो वीडियो वायरल हुआ है, वो बताया जा रहा है कि एक दिन पहले कैलारस थाने में शांति समिति की बैठक हुई, जिसमें कुछ शहर के प्रबुद्धजन लोग भी मौजूद थे। उन्होंने समस्याएं सुनाई, तो उन्होंने जो एसडीएम है वीरेंद्र कटारे, उन्होंने कहा कि मैं पहले एक दो सीएमओ को ठोक चुका हूं, अब इनकी बारी है। तो जिस तरीके से सीएमओ को धमकी दी है और उन्हीं का ये वीडियो वायरल हुआ है, और सबसे खास बात यह है कि जहाँ पर ये जो एसडीएम साहब शब्द बोल रहे थे, वहाँ पर कई अधिकारी मौजूद थे, एसडीओपी थे, थाना प्रभारी थे, तमाम अधिकारी वहाँ पर मौजूद थे। जिस तरीके से धमकी देने वाला वीडियो, तो कहीं ना कहीं ये उन पद की गरिमा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। और सबसे खास बात यह है कि जो एसडीएम वीरेंद्र कटारे हैं, पहले भी कई वीडियो इनके वायरल हो चुके हैं। अतिक्रमण के दौरान मारपीट करते हुए का वीडियो वायरल हुआ था, इसके साथ ही जब पत्रकार के साथ भी अभद्र व्यवहार करने का भी वीडियो वायरल हुआ था, जब पत्रकार कवरेज कर रहा था तो उन पर भी अभद्र व्यवहार किया था। तो कहीं ना कहीं ये प्रश्न चिन्ह ये करता है, क्योंकि एक गरिमा का पद है एसडीएम, कोई छोटा मोटा पद नहीं है। और इसी चलते अगर इस तरीके की बयानबाजी, इस तरह की धमकी देना, तो कहीं ना कहीं ये पद का एक तरीके से दुरुपयोग है। प्रतिज्ञा, बिल्कुल, पद का दुरुपयोग तो जरूर है, और ऐसे में एसडीएम को इस तरह के शब्द भी शोभा नहीं देते जैसे वो बोलते नजर आ रहे हैं।